बैक टू योर चैनल ब्रिलियंट माइंड्स वानीरो। स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है वो स्पेशली क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें जो मैंने आपके लिए प्रैक्टिस पेपर लेकर आई हूँ, दैट हैज बीन पब्लिश्ड बाय CBSE, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ और इसमें कुछ कुछ चेंजेस भी आपको बताऊंगी, इसका रिव्यू आपको दूंगी मैं साथ साथ। एंड सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल एंड, ओके। इसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ ओनली 25 फर्स्ट क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ए। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। सो दिस इज अ सैम्पल क्वेश्चन पर इशूड बाय CBSE क्लास 12 सेशन 2021-2022। ओके, कोड इज योर कोड इज 083 एंड इट इज फॉर टर्म वन। आप सब टर्म वन के लिए तैयारी कर रहे होंगे, MCQs आपके लिए आने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स 35। आपको मालूम है टर्म वन एंड टर्म टू दोनों का 35 मार्क्स का आपका MCQs का पेपर होगा, इक्वल मार्क्स का, एंड 90 मिनट्स का आपका ये पेपर होने वाला है स्टूडेंट्स। तो इसके इंस्ट्रक्शंस पहले मैं आपके सामने क्लियर कर दूं। क्वेश्चन पर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस ए बी एंड सी। यहां मैंने स्टार लगाया, कुछ डिस्क्रिपेंसी है, कुछ आपको मैं अभी बताती हूं वो क्या है। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 25 क्वेश्चंस 1-25 अटेम्प्ट एनी 12। आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पेपर में बहुत अच्छी सी चॉइसेस दे रहे हैं, लाइक 25 में से आपको सिर्फ 20 क्वेश्चंस करने हैं, 26-49 के बीच में भी आपको सिर्फ 20, अगेन आपके पास बहुत अच्छी सी चॉइस है। एंड सेक्शन सी के अंदर आपकी 6 केस स्टडीज हैं, जिसमें से आपको 6 में से यू हैव टू अटेम्प्ट अगेन एनी 5। एक चीज मैंने यहाँ पर लिखी है स्टूडेंट्स, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। अगर यहाँ पर 20+20+5 मीन्स 45 क्वेश्चंस आर देयर, तो इसके अंदर मार्क्स का तो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं बन रहा है ना। सो मे बी सम मिस्टेक हियर, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है इक्वल मार्क्स से, क्योंकि यहाँ पर 45 क्वेश्चंस और 35 मार्क्स के, हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि इक्वल मार्क्स के होने हैं। ऐसा नहीं हम कि सेक्शन ए को हम कम मार्क्स दे दें, हाफ मार्क दे दें, इसको 1 मार्क दे दें। एनीवे, जो भी है हमें कॉन्सेंट्रेट करना ऑन द क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके टर्म वन के अंदर। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सेक्शन ए में क्या है, आपके सामने एमसीक्यूज में 4 चॉइसेस आर गिवन टू यू। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस कंसिस्ट ऑफ 25 क्वेश्चंस, ओके। फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग, नन, एड्रेस, नेम एंड पास। यस स्टूडेंट्स, व्हाट इज नन? नन आपको मालूम है, नन एक ट्रू एंड फॉल्स, ये तीन आपके ऐसे डेटा टाइप्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, जो कि आपके कैपिटल से स्टार्ट होते हैं। यू नो वेरी वेल कि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। एड्रेस, नेम, परफेक्टली ऑल राइट। हमें इनवैलिड बताना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इनवैलिड कौन सा है? ओनली पास। रिजर्व कीवर्ड्स जो होते हैं, रिजर्व वर्ड्स वी कैन नॉट यूज एज आइडेंटिफायर। नन इज परफेक्ट, अगर यहाँ पर कैपिटल एन होता, एन ओ एन ई, कैपिटल एन फर्स्ट अल्फाबेट, अगर एन था कैपिटल, तो आपका ये भी आपका इनवैलिड हो जाता। ओके, इज इट क्लियर? सेकंड, कंसीडर अ डिक्लेरेशन एल इज इक्वल टू इन राउंडेड ब्रैकेट्स 3 वैल्यूज आर गिवन, 1, python, 3.14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डेटा टाइप ऑफ एल। स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव वॉच्ड वन वीडियो ऑफ माइन। वैसे तो आपने 11th में बहुत अच्छे से आपने पाइथन पढ़ लिया है, उसमें मैंने क्लियरली एक इंडिकेशन दिया था जस्ट टू फाइंड आउट। आप एक देखते ही यू कैन रिकॉग्नाइज इट इज अ लिस्ट और टपल और डिक्शनरी और अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आपकी डबल कोट्स में आती, ये डिक्शनरी नहीं है बिकॉज कर्ली ब्रेसेस आर नॉट देयर। टपल, यस इट इज अ टपल, राउंडेड ब्रैकेट्स हैं एंड लिस्ट के लिए स्क्वेयर ब्रैकेट्स आर यूज्ड, सो इट इज अ टपल। थर्ड क्वेश्चन, गिवन अ टपल TUP1, tuple 1 is the name of the tuple, it contains so many values, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, okay. What will be the output of print tup 1? You are giving range 3 to 3:7:2. First means starting aapki third se hogi, up to 7 means ek one less you have to move, theek hai, and colon 2 that is for step. Dekhi aapka third se start karna hai, so 0, 1, 2, 3 means 40 से स्टार्ट होगा और कब तक जाएगा? 4, 5, 6 तक, ओके, यानी 40, 50, 60, but step is 2, means 40, then 60. So correct answer आपका कौन सा है? 40, 60 in the rounded bracket student. Okay, clear? चलिए we move to next question number 4. Which of the following option is not correct? आपको एक तो क्वेश्चन स्टूडेंट ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, कौन से, कभी वो इनकरेक्ट को पूछते हैं और कभी करेक्ट को पूछते हैं, ओके, सारे इनकरेक्ट होते हैं, ओनली वन इज करेक्ट, सो लिटिल बिट कंफ्यूजन इज देयर, समटाइम्स स्टूडेंट्स डोंट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली।
हरी में जल्दबाजी के अंदर दे जस्ट डिसाइड द रॉन्ग ऑप्शन, रॉन्ग आंसर. ए फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ए ऑप्शन, इफ यू ट्राई टू रीड अ टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट एंड एरर अकर्स. इफ यू ट्राई टू रीड अ टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट अकर, दैट डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल गेट्स क्रिएटेड. दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर अगर आप फाइल, टेक्स्ट फाइल रीड कर रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती है, देन एरर आएगी या न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी उस नाम से. थर्ड ऑप्शन क्या है? इफ यू ट्राई टू राइट ऑन अ टेक्स्ट फाइल, अब राइटिंग की बात कर रहे हैं वो, राइटिंग ऑन अ टेक्स्ट फाइल डज नॉट, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है, नो एरर अकर्स. इफ यू ट्राई टू राइट ऑन टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट फाइल गेट्स क्रिएटेड. ये स्टूडेंट्स आपको कौन सा बताना है जो इनकरेक्ट है? तीन इसके अंदर करेक्ट है, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स बी वाला जो है दैट इज नॉट करेक्ट. इफ वी ट्राई टू रीड अ टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट, द फाइल गेट्स क्रिएटेड. ठीक है, हम रीड करना चाह रहे हैं, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो फाइल क्रिएट हो जाएगी. नो, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज रॉन्ग. ओके, नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी यूज्ड टू रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट फाइल माई फाइल डॉट टी एक्स टी. दिस इज द नेम ऑफ द फाइल माई फाइल. अब इसको आपको रीड करना है ओनली फर्स्ट लाइन. देखिए स्टार्टिंग के आपके सेम वही, आपके ओपन माई फाइल डॉट टी एक्स टी, ऑल द थिंग्स आर सेम. लास्ट में देखिए आप रीड ओनली पेरेंथिसिस, रीड ब्रैकेट में आपने एन दिया है, रीड लाइन या रीड लाइंस. यस, विच इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट? दैट इज द सी पार्ट. माई फाइल इज इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट टी एक्स टी कॉलन माई फाइल डॉट रीड लाइन. जस्ट यू हैव टू रीड द फर्स्ट लाइन. नंबर सिक्स, अज्यूम दैट द पोजिशन ऑफ द फाइल पॉइंटर इज एट द बिगनिंग ऑफ थर्ड लाइन इन अ टेक्स्ट फाइल. आपका पॉइंटर इस समय फाइल का कहां पर है? थर्ड लाइन की बिगनिंग में है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू रीड ऑल द रिमेनिंग लाइन्स. आपके थर्ड लाइन की बिगनिंग में पॉइंटर है, बट यू हैव टू रीड ऑल द रिमेनिंग लाइन्स. तो विच वन इज द करेक्ट बताइए इसका ना? रीड लाइन्स, दैट इज द डी पार्ट. रीड लाइन्स इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, रीड रीड एंड रीड लाइन ऑल रॉन्ग. रीड लाइन अभी आपको बताया था किस लिए, कैसे यूज हो रहा था, यहाँ पर रीड लाइन्स यूज होगा रिमेनिंग लाइन्स के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, अ टेक्स्ट फाइल स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी इज स्टोर्ड इन द स्टोरेज डिवाइस. ओके, दिस इज द नेम ऑफ टेक्स्ट फाइल, वो ऑलरेडी स्टोर्ड है. आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस टू ओपन द फाइल इन रीड मोड में आपको ओपन करना. अब आपको मालूम है डिफरेंट मोड्स हैं, रीड होता है, राइट होता है, बाइनरी होता है, अपेंड मोड इज ऑल्सो देयर. इसमें कौन सा मोड आप लेंगे रीड करने के लिए? आर पी या डब्ल्यू या आर या डॉट सिंपल टी एक्स टी. करेक्ट ऑप्शन आपको कौन सा लेना है ये देखिए. आपके ओनली फर्स्ट सिर्फ ये वाला आर बी वाला है या फर्स्ट एंड फोर्थ आर बी एंड टी एक्स टी? नो मैच. देन थर्ड एंड फोर्थ, यस थर्ड एंड फोर्थ रीड और एक डॉट टी एक्स टी. आई थिंक दिस इज द करेक्ट. Yes, both third and fourth. Yani C is the correct option. First and third is again wrong. B आपको मालूम है binary mode के लिए चाहिए, तो that is also wrong. तो आपका correct answer was C, both third and fourth. Number eight, the return type of the input function is string या integer या list या tuple. Students, अगर आपको name print करवाना है, that is a string. ठीक है, एक आपको input करवाना है name, तो आपका स्ट्रिंग के अंदर आंसर आएगा परफेक्टली राइट. ठीक है, अगर आप उसे आप इंटीजर लिस्ट में लेते हैं तो आपका आपको अलग से आपको यूज करना पड़ता है इंट या फ्लोट या इनको आपको यूज करना होता है. तो बाय डिफॉल्ट आपका जो रिटर्न टाइप होता है इनपुट फंक्शन का दैट इज स्ट्रिंग टाइप. अगर हमें किसी और में चाहिए स्ट्रिंग चाहिए, हमें अगर नंबर में चाहिए इंटीजर या फ्लोट, तो हमें अलग से मेंशन करना होता है अलॉन्ग विद दिस फंक्शन नेम. नंबर नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज विद स्ट्रिंग डेटा टाइप. देखिए प्लस वो कह रहे हैं कैन नॉट बी यूज, अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी के अंदर यहाँ पर प्लस, इट इज अ कॉन्कैटनेशन सिंबल, ये यूज होता है. कौन सा नहीं होता? इन ऑपरेटर भी है और ये आपका आपको प्रिंट करने है मेनी टाइम्स, आपको बार बार रिपीट करने के लिए है. एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, विच कैन नॉट बी यूज, ये यूज नहीं होता है डिविजन का सिंबल स्लैश सिंबल. दिस इज इन करेक्ट ऑपरेटर विच कैन नॉट बी यूज विद स्ट्रिंग डेटा टाइप. नाउ नंबर टेन, consider a tuple tup1, ये नेम है tuple का, 10, 15, 25 and 30s. Again, star students, आपको कुछ लग रहा है यहाँ पर problem? Yes, question में ही यहाँ पर देखिए and इस तरह से नहीं आना चाहिए था. ओके, इसमें क्या होना चाहिए था? Instead of this, there should have been 10, 15, 25, comma 30. ओके, ये tuple 1 है. Then identify the statement that will result in an error. अब इसमें से किसमें error आएगी आपको बताना है. Print आप करवा रहे हैं, print tuple 1 इन स्क्वायर ब्रैकेट आपने टू नंबर दिया है. ठीक है, टू
एंड सेकेंड में आपने क्या दिया है, सेकेंड आपका जो है 20 है क्या, ये आपका करेक्ट है, ये क्या आपकी 0, 1, 2 ये आपका सेकेंड जो है आपका, ये आपका 20 है, नो no. सो आपको ये बताना है कि एरर इसी के अंदर ही है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर. और मिनिमम इट इज परफेक्टली ऑलराइट, आपको मिनिमम वैल्यू इसमें वो 10 आपको रिजल्ट देगा और लेंथ आपको दे देगा इसकी 4. ठीक है, सो ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट दिस बी पार्ट, क्योंकि सेकेंड जो एलिमेंट है दैट इज नॉट 20. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाइनरी फाइल्स. बाइनरी फाइल्स आपने अच्छे से स्टडी कर लिया है स्टूडेंट्स और कर रहे होंगे, तो इसमें आपको बताना है कौन सी इनकरेक्ट है. एक चीज आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स एमसीक्यूज हैं जो कि इनकरेक्ट आपको फाइंड करने हैं, नॉट द करेक्ट वन. मींस आपके 4 में से 3 आपके करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है जिसे, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा स्टूडेंट. इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द सेम फॉर्मेट इन विच द इन्फॉर्मेशन इज हेल्ड इन मेमरी. नो करेक्टर ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस. एवरी लाइन एंड्स विद अ न्यू लाइन करेक्टर. ये यस दिस इज द वन, ये इनकरेक्ट है. ठीक है, क्योंकि आपकी जो टेक्स्ट फाइल होती है इसमें आपका एंड ऑफ लाइन होता है आपका बैक स्लैश एन, लेकिन आपकी जो बाइनरी फाइल्स है उसके अंदर ये नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो 0, 1 के अंदर कन्वर्टेड होती है. सो सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज यहाँ पर करेक्ट आंसर है, बट इन फैक्ट इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नंबर 12, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेल मेथड. टेल मेथड किस लिए यूज होता है. टेल्स द पाथ ऑफ फाइल, करंट पोजिशन ऑफ द फाइल पॉइंटर विद इन द फाइल. यस yes, this is the correct answer. Tells the end position, no. Checks the existence of a file at the desired location, no. आपका B part is the correct answer. वो बताता है आपको current position of the file pointer within the file. इस समय आपका current pointer कहाँ पर है. Number 13. Total 25 questions हमें करने हैं. Which of the following statement is true? 25 में समय 20 करने. I am going to discuss here 25. लेकिन उसमें से आपको attempt करने हैं 20 exam के अंदर. Pickling creates an object from a sequence of bytes. Pickling is used for object serialization. Correct. It is used for object deserialization. Used to manage all types of. So this is the correct answer. Serialization के लिए in fact हम इसे use करते हैं pickling को. Now syntax of seek function in Python is myfile.seek offset comma reference point. इसमें question है reference point की by default value क्या होती है. And I hope सबको मालूम है that is 0. By default, it is 0. Now 15. Which of the following components are parts of a function header in Python? अब इसमें आपको बताना है कौन कौन से parts होते हैं. Function का name होता है, return statement होती है, parameter list होती है, both A and C. बताइए function name and parameter list दोनों होते हैं ना उसके अंदर, right? Then A and C. जैसे you define the function name like def, D-E-F, then function name suppose you write sum, then उसके बाद you give the parameter list in parenthesis. Okay, so A and C are correct, yani ki option D is the correct answer. Next 16, which of the following function header is correct? Isme aapko batana hai function ke headers hain, dekhiye def ke baad aapne cal si, this is the name of the function. Aapne baad mein parameters ki list di hai, p is equal to 100 comma r comma t is equal to 2, p is equal to 100 comma r is equal to 8 comma t, p comma r is equal to 8 comma t. Aapko problem yahan par dhoondni hai. कुछ डिफॉल्ट है और कुछ बाय डिफॉल्ट नहीं दी हमने, कुछ हमें वैल्यूज देनी है. अगर जो वैल्यूज अगर हमें देनी है तो वो हमें बाद में लेनी है, और सबसे पहले विदाउट वैल्यू जो है उसे आप लेंगे यहाँ पर, जो हमने वैल्यू यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया. ठीक है, ये आपकी डिफॉल्ट वैल्यूज बाद में आएंगी, बाद में फॉलो करेंगी, पहले आपका ये वाला. दिस वन इज द करेक्ट आंसर, पी कॉमा आर इज इक्वल टू 8 कॉमा टी इज इक्वल टू 2. ठीक है, अब इसमें देखिए पी पहले था सी पार्ट में देखिए, बट टी यहाँ पर ये भी पहले आना चाहिए था, followed by r is equal to 8. So again, all the three are wrong. Or this one, last one is the correct. P, r, or the p, q, r is equal to 8, t is equal to 10. Is tarah se aapka ho sakta hai. That is valid. Number 17, which of the following is the correct way to call a function? Function ka aapne ek name likhna hota hai, usse call karne ke liye. My func, def my func, ye to of course create karne ke liye aata hai. Aapko function create kar rahe hain. Return karne ke liye, no return nahi aayega. Isme call my function, no. सिर्फ आपको यू जस्ट हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फंक्शन अलोंग विद द पेरेंथेसिस. ये आपका फंक्शन नेम है, दैट इज द करेक्ट आंसर ए पार्ट. नाउ नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर एक्ट्स एज डिफॉल्ट डेलिमीटर इन अ सीएसवी फाइल. बाय डिफॉल्ट सीएसवी के अंदर कॉमा यूज होता है, दैट इज द डिफॉल्ट डेलिमीटर इन अ सीएसवी फाइल. ओके क्लियर स्टूडेंट्स. नंबर 19,
syntax for openingstudent.csv file in write mode is my file is equal to openstudent.csv w comma new line is equal to what is the importance of new line? New line ki importance kya hai? A new line gets added to the file. Empty string gets appended to the first line. Empty string gets appended to all lines. Ya EOL translation is suppressed. Yes, last one is correct. Because हमारे जितने इसके अंदर हम जितनी बार हम यूज करेंगे हमारा backslash n is the new line character. लेकिन अगर सपोज मैं मैक के अंदर वर्क करती हूँ वहां पर वो नहीं होगा. सपोज यहाँ पर मैं backslash r यूज करती हूँ लेकिन वहां पर जाकर वो न्यू लाइन बन सकता है वहां पर. तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट हमारे EOL होते हैं. ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू लाइन कैरेक्टर. व्हाट इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ CSV फाइल? आपकी फुल फॉर्म बतानी है CSV की. कॉमा सेपरेबल वैल्यूज, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, यस बी पार्ट कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ना कि स्प्लिट ना सेपरेशन, कॉमा सेपरेटेड. और यही था कॉमा हमारा डेलिमीटर की तरह यूज हो रहा था. अभी एक आपने MCQ किया है इसके ऊपर, दैट इज अ डेलिमीटर यूज इन CSV फाइल्स. नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन और मेथड ऑफ CSV मॉड्यूल इन पाइथन? रीडर इज देयर, राइटर इज देयर, राइट रो इज देयर, बट दिस वन read this function is not there in CSV module. Okay, number 22, which one of the following is a default extension of python file? ab jab save karte hain uske extension name kya hota hai? .py.p, yes this c1 .py is the correct default extension of a file, python file. Okay, now let's come to question number 23, which of the following symbol is used in python for single line command? Slash, slash, asterisk and double slash and hash. Of course, this is the symbol, hash symbol. Is single line ke liye and double, multiple lines ke liye kya hota hai? Multi line ke liye students, triple quotes. Okay. Now number 24 and 25. These are the only two questions left. Which of the following statement, but the left means for section A and for this video also. And students keep watching my channel. Aage main section B and C bhi discuss karungi in separate videos. Okay. Which of the following statement opens a binary file record.bin in write mode and writes data from a list? List 1 is equal to 1234 on the binary file. आपको इस फाइल को ओपन करना है इन राइट मोड और ये आपको लिस्ट का आइटम्स उसमें राइट करने हैं. सो फोर ऑप्शंस आर देयर. आपको ओपन करना है बीच का तो आपका सबका मैटर सेम ही आपका. यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, WB प्लस दिया है इन्होंने, AB दिया है, अपेंड बाइनरी दिया है एस फाइल. एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर इनके पैरामीटर्स चेक करिए. सबसे पहले आपको जो राइट करना है दैट इज लिस्ट वन शुड कम फर्स्ट. लिस्ट वन कॉमा माई फाइल. यहाँ देखिए माई फाइल कॉमा लिस्ट वन, माई फाइल कॉमा लिस्ट वन. इसमें आपका WB प्लस आ गया था, देन इसमें AB है माई फाइल. सो दिस इज द करेक्ट आंसर A1 लिस्ट वन डॉट माई फाइल एंड दैट ऑल्सो WB. ठीक है, बिकॉज ओपन अ बाइनरी फाइल, बी बाइनरी के लिए एंड राइट मोड एंड लिस्ट वन शुड कम फर्स्ट. लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज अबाउट अ डिक्शनरी इज फॉल्स? अगेन आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देते हैं, फॉल्स आपको बताना है. ओके, यानी कि तीन आपके ट्रू हैं और एक आपका फॉल्स है. वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग कीज. कीज ऑफ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग वैल्यूज. बताइए, मेरे को तो इन्हीं में से मालूम चल रहा है. डिक्शनरीज आर नॉट ऑर्डर, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल. बताइए आप, कीज ऑफ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग वैल्यूज, ये आपका फॉल्स है. ओके, आपको फॉल्स बताना है इसके अंदर जो रॉन्ग है. हम कीज को एक्सेस नहीं कर सकते, उल्टा हम कीज को यूज करके वी कैन एक्सेस द वैल्यूज फ्रॉम द डिक्शनरी. आपको मालूम है इसके अंदर पेयर के अंदर यूज होता है की कॉलन वैल्यू कॉमा की कॉमा वैल्यू एंड सो ऑन. सो आपके सामने मैंने 25 डिस्कस किया. आई होप ये आपको बहुत क्लियर थे. एंड स्टूडेंट्स, जो आपका सेकेंड, आपका जो फर्स्ट टर्म का सेकेंड पार्ट है, मीन सेक्शन बी है, दैट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 24 क्वेश्चंस, 26 टू 49. ठीक है, अटेम्प्ट उसमें भी आपको 20 क्वेश्चंस ही करने हैं, बट आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द 24 क्वेश्चंस. तो आपका कंटिन्यू होगा इन द नेक्स्ट वीडियो. सो कीप वॉचिंग स्टूडेंट्स, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. अगर कोई डाउट है देन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन.